दोस्तों ये कहानी है इंग्लैंड के एक शहर लंदन की, जहां साल 2011 की एक रात पुलिस राउंड पे थी और इसी राउंड के दौरान पुलिस को एक जलती हुई कार दिखती है, जिसके बाद पुलिस उसी वक्त फायर ब्रिगेड को कॉल करती है। फायर ब्रिगेड के आने के बाद आग को बुझाया जाता है, जिसके बाद पुलिस देखती है कि ये एक नीले कलर की मर्सिडीज कार है। पुलिस उस कार के अंदर झांक के देखती है ये कन्फर्म करने के लिए कि इस कार में कोई था तो नहीं। तो थैंक्स पुलिस पाती है कि इस कार के फ्रंट और बैक साइड पे कोई नहीं था, जिसके बाद पुलिस को लगता है कि शायद ये कोई चोरी की गाड़ी होगी, जिसकी पहचान मिटाने के लिए इस गाड़ी को आग लगा दी गई होगी, जिसके बाद उस गाड़ी की तलाशी ली जाती है। और इसी तलाशी के दौरान जब पुलिस वाले उस गाड़ी की डिक्की को खोलते हैं तो उन्हें उस गाड़ी की डिक्की में से मिलती है एक अजली लाश, जहां इससे पहले पुलिस को ये कार चोरी का केस लग रहा था, वहीं अब ये केस बन चुका था एक मर्डर केस। तो आखिर किसकी थी ये लाश और इतनी ज्यादा बेरहमी से उसे क्यों मारा गया था, जानेंगे आज किस पूरे एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मैं अमनदीप चावला स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ट्रू क्राइम स्टोरी में, और आज मैं आपको सुनाऊंगा हनी ट्रैप मर्डर केस की पूरी कहानी। वहीं उस गाड़ी के अंदर लाश काफी हद तक जल जाने की वजह से डेड बॉडी के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं बचा था, मगर लाश की पोजीशन को देखकर ये साफ पता चल रहा था कि लाश के हाथ और पैर बांधे गए होंगे। वहीं पूरी गाड़ी और लाश जल जाने की वजह से पुलिस को वहां से लाश का कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं मिल पाता। पुलिस के पास सिर्फ दो ही चीजें थी, एक तो वो नीले कलर की मर्सिडीज कार और दूसरा उस गाड़ी का नंबर। अब पुलिस उस गाड़ी के नंबर्स की डिटेल्स निकलवाती है, जहां पुलिस को पता चलता है कि ये गाड़ी एक 18 साल के अमनदीप कौर की है, जिसके बाद अब पुलिस अमनदीप कौर के दिए हुए उस एड्रेस पे पहुंचती है, जहां पुलिस को एक महिला मिलती है। अब जब पुलिस उस महिला से अमनदीप कौर के बारे में पूछती है तो वो महिला बताती है कि अमनदीप कौर मेरी बेटी है और मैं उसकी माँ हूँ, जिसके बाद अब पुलिस अमनदीप कौर को बुलाने को कहती है। अब जब अमनदीप कौर की माँ अपनी बेटी को बुलाती है तो पुलिस उसे बताती है कि हमें आपकी कार मर्सिडीज कल रात यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक सुनसान रोड पर जलती हुई मिली, और साथ ही पूछती है कि आपकी गाड़ी उस जगह पे कैसे पहुँची और उसमें आग कैसे लगी, मगर अब तक पुलिस उन्हें उस कार में मिली उस डेड बॉडी के बारे में कुछ भी नहीं बताती। अब अमनदीप कौर पुलिस को बताती है कि कल रात को मेरा बड़ा भाई गगनदीप लेट नाइट पार्टी में जाने के लिए मेरी गाड़ी लेके गया था। अब पुलिस उससे गगनदीप के बारे में कुछ डिटेल्स पूछती है, जिसपे अमनदीप कौर पुलिस को बताती है कि वो सिर्फ अभी 21 साल का है और 21 साल की उम्र में ही वो एक वेल सेटल करोड़पति बिजनेसमैन है और उसका अपना एक टीवी चैनल भी है, और उसके साथ ही वो अपनी फैमिली का बिजनेस भी संभालता है जो कि इससे पहले पिताजी संभालते थे, मगर 2 साल पहले पिताजी का कत्ल हो गया था और ये कत्ल उन्हीं के बिजनेस पार्टनर ने बिजनेस में घोटाला करने के बाद किया था, और साथ ही वो ब्रिटिश सिख फेडरेशन का प्रेसिडेंट भी है और अब वो ही पूरे घर को चलाता है। अब अमनदीप से ये सब सुनने के बाद पुलिस को लगता है कि हो सकता है ये लाश गगनदीप की ही हो और किसी ने दुश्मनी के चलते उसे मार कर उसकी लाश को डिक्की में डाल के गाड़ी को जला दिया हो ताकि सबूत मिटाए जा सके। अब पुलिस अमनदीप कौर को बताती है कि हमें उस गाड़ी की डिक्की से एक लाश भी मिली है जो कि काफी हद तक जल चुकी है, और ये सुनते ही अमनदीप कौर और उसकी माँ को काफी बड़ा झटका लगता है। वहीं अब कई तरह के सवाल भी खड़े होने लगते हैं, कभी पुलिस को लगता है कि ये डेड बॉडी गगनदीप की हो और किसी ने उसे मार कर इस गाड़ी को जला दिया हो, तो कभी पुलिस को लगता है कि गगनदीप ने किसी को मार कर उसके डेड बॉडी को गाड़ी में टिक्की में डाल के जला दिया हो। वहीं अब पुलिस के सामने दिक्कत ये थी कि डेड बॉडी पूरी तरह से जल चुकी थी, जिस वजह से उसकी पहचान कर पाना नामुमकिन था, इसलिए पुलिस को अब सिर्फ फॉरेंसिक टेस्ट का ही सहारा था, जिस वजह से अब पुलिस गगनदीप के ब्रश और कंघे को डीएनए से मैच करने के लिए भेजती है ताकि ये कंफर्म किया जा सके कि ये डेड बॉडी गगनदीप की ही है या नहीं। वहीं अब पुलिस गगनदीप को सभी फ्रेंड से कॉन्टेक्ट करती है, मगर किसी से कोई जानकारी नहीं मिलती, जिसके बाद अब पुलिस इंटरनेट का सहारा लेती है और इंटरनेट पे गगनदीप की मिसिंग की पोस्ट शेयर करती है, मगर अनफॉर्चुनेटली यहाँ से भी पुलिस को कोई रिस्पांस नहीं मिल पाता, जिसके बाद अब पुलिस जहाँ वो जलती हुई कार मिली थी उस एरिया के सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक करना शुरू करती है, और फिर इसी सब के दौरान पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिलती है जिसमें दिखता है कि 2 लोग उस गाड़ी में आग लगा रहे हैं, मगर वो सीसीटीवी फुटेज बिल्कुल भी क्लियर नहीं थी, जिस वजह से उस सीसीटीवी फुटेज को देख के ये तक भी नहीं पता चल पा रहा था कि ये कोई लड़का है या
लड़की, लेकिन पुलिस ने एक चीज नोटिस की कि इन दोनों लोगों में से एक ने पगड़ी पहन रखी थी। इसे देख के पुलिस को ये लगता है कि कैमरे में दिख रहा ये शख्स गगनदीप है। अब अगले दो दिन बाद डीएनए की रिपोर्ट आती है और ये वो डीएनए की रिपोर्ट थी जो पुलिस ने गगनदीप के घर से टूथब्रश और कंघी ली थी। और ये डीएनए की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, इसका ये सीधा सीधा मतलब था कि ये लाश गगनदीप की ही थी। अब पुलिस गगनदीप की फैमिली को गगनदीप की डेड बॉडी दिखाती है जो कि बुरी तरह से जल के खत्म हो चुकी थी। गगनदीप की बहन अमनदीप कौर ने कई इंटरव्यू में बताया कि गगनदीप के ऊपर की बॉडी की तीन लेयर पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और सिर्फ कुछ टूटी फूटी हड्डियां ही बची थी और उसकी एक आंख भी पूरी तरह से अंदर धस चुकी थी। और फिर उसी दिन शाम को आती है गगनदीप की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिससे एक खुलासा होता है कि गगनदीप को जलाने से पहले काफी ज्यादा मारा और पीटा भी गया था। वहीं उसके सिर पे भी इतनी जोर से मारा गया था कि उसका दिमाग भी पूरी तरह से सूज गया था। यही नहीं, गगनदीप को जब गाड़ी की डिक्की में डाल के जलाया गया था तो उस वक्त उसकी सांसें भी चल रही थी और इस बात का खुलासा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से हुआ क्योंकि उसके लंग्स में राख मिली थी। अब यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि 21 साल का हंसता खेलता लड़का जो रात को घर से लेट नाइट पार्टी के लिए निकला था, वो आखिर इस हालत में कैसे पहुंच गया था और वो दो लोग कौन थे जो सीसीटीवी फुटेज में देख रहे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूले ताकि आगे से आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। अब पुलिस अपनी जांच को तेज करते हुए जगह जगह रोड पे लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से उस गाड़ी को ट्रैक करने की कोशिश करती है कि उस रात घर से निकलने के बाद गगनदीप अपनी गाड़ी से कहां कहां गया। और गाड़ी का ट्रैक ट्रेस करने के बाद पुलिस एक शहर पे पहुंचती है जिसका नाम था ब्राइटन। अब पुलिस जब गगनदीप की फैमिली से ब्राइटन के बारे में पूछती है तो अमनदीप कौर पुलिस को बताती है कि ब्राइटन में गगनदीप की एक फ्रेंड रहती है जिसका नाम है मुंडेल महिल, जो कि एक 19 साल की मेडिकल स्टूडेंट है। अब जब पुलिस मुंडेल महिल के बारे में और पता करती है तो पुलिस को पता चलता है कि गगनदीप की फैमिली मुंडेल महिल को जानती थी और इन दोनों की दोस्ती अब से एक साल पहले हुई थी। इन दोनों का एक कॉमन फ्रेंड था हरिंदर शौकर, जिसकी पार्टी पे इन दोनों की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद फेसबुक पे गगनदीप ने मुंडेल महिल को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी जिसे मुंडेल महिल ने एक्सेप्ट कर लिया था और फिर यहीं से इन दोनों के बीच बातें होनी शुरू हो गई थी। वहीं मुंडेल महिल के काफी ज्यादा सुंदर होने की वजह से गगनदीप उसे पसंद करने लगा था, मगर वहीं गगनदीप की फैमिली को मुंडेल महिल बिल्कुल भी पसंद नहीं थी क्योंकि वो सिख तो जरूर थी मगर वो बिल्कुल भी रिलीजियस नहीं थी। वो बॉयज के साथ रोज रात में लेट नाइट पार्टीज किया करती थी, डिस्को पब और क्लब जाया करती थी जिसे सिख कल्चर में बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता, मगर वही गगनदीप मुंडेल महिल को काफी पसंद किया करता था और ये बात गगनदीप की फैमिली को भी पता थी। अब पुलिस ब्राइटन में मुंडेल महिल के घर पे पहुंचती है जहां वो अपनी आर्ट फ्रेंड के साथ रहा करती थी। अब जब पुलिस उससे गगनदीप के बारे में पूछती है तो वो पुलिस को बताती है कि उस रात 11 बजे गगनदीप अपनी गाड़ी में उससे मिलने आया था और बाहर से ही मिलके चला गया था और उसकी ये बात वही थोड़ी सी दूरी पे लगे कैमरे से कंफर्म हो गई थी जिसमें गगनदीप की कार दिख रही थी। अब जब पुलिस अमनदीप को ये बात बताती है कि गगनदीप उस रात 11 बजे मुंडेल महिल के घर उससे मिलने गया था और बाहर से ही उससे मिलके निकल गया था जिसके बाद उसकी गाड़ी किसी भी कैमरे में ट्रैक नहीं हुई। अब पुलिस से ये सब सुनने के बाद अमनदीप पुलिस को एक बात बताती है, वो बताती है कि गगनदीप की मिसिंग के बाद मैंने मुंडेल महिल को फोन किया था जिस पे पहले तो उसने मुझसे कहा कि मुझे नहीं पता गगनदीप कहाँ है, वो यहाँ नहीं आया था, मगर जब मैंने उससे कहा कि मुझे तो गगनदीप के दोस्तों ने बताया है कि वो तुम्हारे पास आया था तुमसे मिलने, इस पे उसने विद इन अ सेकंड अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया और काफी ज्यादा रूट अंदाज में उसने कहा हाँ वो आया तो था मगर बाहर ही बाहर से मिलके चला गया था, जिसके बाद अब पुलिस को मुंडेल महिल पे शक हो जाता है और पुलिस फिर से मुंडेल महिल के घर पहुंचती है, मगर इस बार पुलिस को मुंडेल महिल घर पे नहीं मिलती क्योंकि वो तब तक वहाँ से भाग चुकी थी। अब पुलिस उस घर में रहने वाली बाकी की 8 लड़कियों से पूछताछ करती है। पुलिस उन लड़कियों से पूछती है कि अब से 5 दिन पहले उस रात यहाँ पे क्या हुआ था। इस पे एक लड़की बताती है कि मुंडेल महिल और गगनदीप काफी अच्छे फ्रेंड थे मगर कुछ टाइम से दोनों के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई चल रही थी जिसपे मुंडेल महिल हमेशा गुस्से में कई बार कहती थी कि मैं गगनदीप को मार दूंगी और उस रात यहाँ पे क्या हुआ ये हम में से किसी को नहीं पता क्योंकि उस रात मुंडेल महिल ने हम में से किसी को भी नीचे आने के लिए मना
किया था, इसलिए हम में से कोई भी नीचे नहीं गया। लेकिन 11 बजे के बाद नीचे से काफी जोर जोर से चिल्लाने और रोने की आवाजें आ रही थी। वहीं एक और लड़की ने पुलिस को बताया कि उस रात 8 बजे के आसपास मुंडेल महिल अपने दो दोस्तों को लेने के लिए रेलवे स्टेशन गई थी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे से आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सकें। अब पुलिस जब मुंडेल महिल के आस पड़ोस वालों से पूछताछ करती है तो पुलिस को पता चलता है कि अब से 5 दिन पहले उसी रात को मुंडेल महिल के घर से काफी तेज तेज आवाजें आ रही थी। और इसी सब के बीच एक पड़ोसी ने पुलिस को बताया कि उसने उस रात दो लोगों को एक गाड़ी की डिक्की में कोई भारी सा सामान डालते हुए देखा था और ये गाड़ी थोड़ी देर पहले ही आके खड़ी हुई थी। जब उसे ये सब काफी अजीब लगा तो उसने उस गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था और ये वही गाड़ी का नंबर था जो पुलिस को उस रात वहां पे जलती हुई मिली थी। अब पुलिस सीधा रेलवे स्टेशन पहुंचती है और उस रात के सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकलवाती है और इन्हीं में से एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में पुलिस को मुंडेल महिल की गाड़ी दिखती है। वहीं दूसरे कैमरे में मुंडेल महिल अकेले रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ती हुई दिखती है। वहीं तीसरे कैमरे में मुंडेल महिल दो लड़कों के साथ दिखती है जिन्हें वो रेलवे स्टेशन पे लेने आई थी। वहीं अब पुलिस इन सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देख के समझ जाती है कि ये वही लड़के हैं जिन्होंने उस रात गगनदीप की कार में आग लगाई थी और ये फुटेज काफी ज्यादा क्लियर भी थी उस रात गाड़ी को चलाते हुए की फुटेज से। अब पुलिस ये फुटेज गगनदीप की फैमिली को दिखाती है और उनसे पूछती है कि आप इन दोनों में से किसी को जानते हो। और अब यहीं से इस पूरी कहानी में एक नया मोड़ आता है। गगनदीप की फैमिली इनमें से एक को पहचान जाती है और ये वही लड़का था जिसकी पार्टी पे गगनदीप और मुंडेल महिल की पहली बार मुलाकात हुई थी, जो कि इन दोनों का कॉमन फ्रेंड भी था। और इसी की पार्टी पे मिलने के बाद ही गगनदीप ने मुंडेल महिल को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी और इस लड़के का नाम था हरिंदर शौकर, जो कि गगनदीप का बेस्ट फ्रेंड था और ये अक्सर गगनदीप के घर भी आया करता था। और इसके गरीब होने की वजह से गगनदीप इसकी अक्सर फाइनेंशियली मदद भी करता था। वहीं कई बार गगनदीप इसे शॉपिंग भी करवाया करता था और इसके लोन्स की EMI भी पे कर दिया करता था। वहीं कई बार गगनदीप ने हरिंदर शौकर की जॉब भी लगवाई थी और इसी सब की वजह से गगनदीप की माँ उसे अपने छोटे बेटे की तरह समझती थी। और अब इस फुटेज को देखने के बाद उनके बेटे के कत्ल में उसका नाम आ गया था। वहीं अमनदीप इस फुटेज को देखने के बाद पुलिस को बताती है कि गगनदीप के मिसिंग होने पे जब मैंने मुंडेल महिल से पहले हरिंदर शौकर को फोन किया था तो पहले तो 4-5 बार उसने फोन उठाया ही नहीं और फिर जब उसने फोन उठाया तो मैंने उसे बताया कि गगनदीप मिसिंग है और वो कहीं मिल नहीं रहा। तो उधर से हरिंदर शौकर काफी जोर जोर से हंसने लगा, जो कि मुझे काफी शॉक्ड और बुरा लगा। अब पुलिस सीधा हरिंदर शौकर के घर पहुंचती है और उसे गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लेकर आती है, जहां पुलिस से उस दूसरे पर्सन के बारे में पूछती है, जिसपे वो पुलिस को बताता है कि उस लड़के का नाम डैरन पीटर है और वो उनका दोस्त है। अब पुलिस डैरन पीटर के घर पहुंचती है और उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन लेके आती है। वहीं अब तक ये केस काफी बड़ा बन चुका था, जिस वजह से इसकी खबर लगातार टीवी पे चल रही थी विद फोटोज। अब ये सब टीवी पे देखने के बाद मुंडेल महिल समझ गई थी कि अब चुप पाना आसान नहीं है, जिस वजह से उसने पुलिस को सरेंडर कर दिया। अब सरेंडर करने के बाद उसने पुलिस को बताया कि उस रात गगनदीप मेरे घर आया था और मेरे से मिलके वहाँ से चला गया था, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता। वहीं पुलिस मुंडेल महिल के ऑप्शंस में उसके बारे में काफी कुछ जान चुकी थी और उन्हें पता चल चुका था कि गगनदीप के मर्डर में उसका भी हाथ है। अब पुलिस मुंडेल महिल के साथ थोड़ी सी सख्ती बरतती है, जिसके बाद अब वो पुलिस को एक कहानी सुनाती है। वो पुलिस को बताती है कि अब से 8 महीने पहले एक रात गगनदीप मेरे घर आया था और उसने मुझसे कहा कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है और फिर उसने रात में वहीं पे रुकने की बात की, जिसपे मैंने उसे परमिशन दे दी और फिर रात को उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, जिसके बाद हमारे बीच काफी लड़ाई हुई और फिर वो मुझसे माफी मांगने लगा, लेकिन मैंने उसे कभी माफ किया ही नहीं।
जिसके बाद मैंने उससे बात करना बंद कर दिया। अब पुलिस फिर से उससे पूछती है कि दोबारा उससे बात होनी कैसे शुरू हुई। इस पे मुंडेल महिल पुलिस को बताती है कि फिर एक रात मैंने गगनदीप को टेक्स्ट मैसेज किया और उसे अपने घर मिलने के लिए बुलाया, और उसके आने से पहले ही मैंने हरिंदर शौकर और डैरन पीटर को अपने घर पे बुला के छुपा दिया था ताकि मैं उसे सबक सिखा सकूं, लेकिन सिर्फ उसे धमकाने और थप्पड़ मारने के लिए, ना कि उसे जान से मारने के लिए। इसलिए मुझे नहीं पता कि वो उस रात कैसे जल के मरा और उसको किसने मारा। पुलिस शायद उसकी बातों पे यकीन कर भी लेती। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे से आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सकें। मगर पुलिस ने उसकी अब्सेंस में उसके रूममेट के बयान लिए थे, जिसमें उसके फ्रेंड्स ने बताया था कि उस रात उसने उन सबको नीचे आने को मना किया था और नीचे से काफी तेज तेज चीखने और चिल्लाने की आवाजें भी आ रही थी। वहीं पुलिस के पास उसके पड़ोसियों के भी बयान थे, जिन्होंने उस रात दो लोगों को एक गाड़ी की डिक्की में कुछ भारी सा सामान डालते हुए देखा था। वहीं अब पुलिस मुंडेल महिल का फोन चेक करती है, जिसमें पुलिस को मुंडेल महिल और गगनदीप के बीच हुई चैट मिलती है, जिसमें मुंडेल महिल गगनदीप को रात 11 बजे अपने घर आने को कहती है। वहीं उसी फोन में पुलिस को एक और चैट मिलती है, जिसमें मुंडेल महिल हरिंदर शौकर को रात 8 बजे तक आने के लिए कह रही होती है, जिसमें उधर से हरिंदर शौकर का मैसेज होता है कि डोंट वरी डार्लिंग, मैं उसके आने से पहले पहुंच जाऊंगा। वहीं जब पुलिस मुंडेल महिल के कॉल डिटेल्स निकलवाती है तो उसमें भी उस रात हरिंदर शौकर के आने से पहले मुंडेल महिल की उसे की गई कई सारी कॉल्स मिलती हैं। वहीं इसी के साथ पुलिस को हरिंदर शौकर के मोबाइल से कॉल रिकॉर्डिंग भी मिलती है, जिसमें हरिंदर शौकर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ। साथ ही पुलिस को यह भी पता चलता है कि हरिंदर शौकर भी मुंडेल महिल को पसंद करता था। वहीं अब तक पुलिस को डैरन पीटर के घर से गगनदीप की कार को जलाने वाली वो कैंस भी मिल चुकी थी, और अब पुलिस समझ चुकी थी कि मुंडेल महिल ने जानबूझ के उसे अपने घर बुला के अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर उसे मार डाला, जिसके बाद अब सभी सबूतों के साथ इन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां ये प्रूफ हो जाता है कि हरिंदर शौकर और डैरन पीटर ने ही गगनदीप की हत्या की है, जिसके बाद हरिंदर शौकर को 22 साल की, डैरन पीटर को 12 साल की और मुंडेल महिल को 6 साल की सजा सुनाई जाती है। वहीं मुंडेल महिल ने 6 साल की सजा को सिर्फ 3 साल ही काटा और 3 साल बाद ही वो जेल से बाहर आ गई। जेल से बाहर आने के बाद उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद उसने शादी कर ली, और मुंडेल महिल ने जिस पर्सन से शादी करी वो पर्सन 2019 में रेड ब्रिज एरिया का मेयर बन गया, जिसके बाद गगनदीप की बहन अमनदीप कौर ने एक पिटीशन फाइल करी, जिसे वहाँ के लोगों ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया, जिस वजह से मुंडेल महिल के पति को अपनी पोजीशन से रिजाइन करना पड़ा। वहीं मुंडेल महिल ने गगनदीप को लेके जो कहा, इस बात को जस्टिफाई करने के लिए कोई सबूत तो है नहीं, क्योंकि क्रिमिनल अपना जुर्म छुपाने के लिए झूठ तो बोलता ही है, वही गगनदीप भी सामने तो है नहीं जो वो इस चीज को जस्टिफाई कर पाए। हाँ, मगर एक सवाल जरूर उठता है, अगर उसने उस रात कुछ गलत किया भी था तो उसने उसी रात शोर क्यों नहीं मचाया, जबकि उस घर में उसके साथ उसकी 8 और फ्रेंड्स भी रहती थी, वो शोर मचा के उन्हें भी बुला सकती थी। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में उसके कुछ दोस्तों ने यह भी बताया कि गगनदीप ने मुंडेल महिल और हरिंदर शौकर को काफी सारे पैसे भी दिए हुए थे, जो अब गगनदीप वापस मांग रहा था, जिस वजह से उसे जान से मार दिया गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, ताकि आगे से आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। और साथ ही दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं।